भी तुम्हारा तुम्हारी दिशा में नहीं चलता है, तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। तुम अपने तरफ से हर प्रयत्न करती हो, उसकी हर बात मानती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद हमारा वो वाला रिश्ता पहले जैसा हो जाए। कितने प्रेम से जुड़ा था वो तुमसे, कितने विश्वास के साथ तुमने अपने बंधन में बांधा था उसे, परंतु अब ये रिश्ता हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, ये रिश्ता खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। कभी किसी तीसरे की परछाई नजर आती है इस रिश्ते में, तो कभी तीसरे का तर्क नजर आता है। कभी किसी और की बात सुनता है परंतु तुम्हारी नहीं सुनता, किसी और की मानता है परंतु तुम्हारी नहीं मानता। एक बात और, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मुझे इस बात का, इसलिए इस जिक्र को कर रही हैं कि बहुत सारी बहनों ने मुझे लिखा है कि दीदी मेरा पति अपनी भाभी की बात मानता। बोलने में भी बड़ा बुरा लग रहा है मुझे कि वो अपनी बड़ी भाभी की बात मानता है और उसी के कहे अनुसार वह मेरे साथ बर्ताव करता है। वो कहती है मुझसे बात करने को तो मुझसे बात करता है, और वो मना कर देती है तो फिर मेरी ओर देखता भी नहीं है। तो मैं क्या करूं कि वो अपनी भाभी के वश से छूट जाए? ऐसा एक नहीं, मेरी कितनी बहनों ने मुझे ये लिखा है। ये अद्भुत बात है, जब विवाह आपने अपनी पत्नी से किया है तो कृपया भाभी का पल्ला छोड़ दें। बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं, उनसे प्रेम कीजिए, जीवन भर उनका कहना मानिए। परंतु ये जो गुलामी करनी है ना आपको, ये अपनी पत्नी की कीजिए। उसमें आनंद है, प्रेम है, आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा और पति पत्नी एक राह पर चलेंगे। वश में रहना ही है किसी स्त्री के, तो अपनी पत्नी के वश में रहिए, देखिए मजा आ जाएगा जीवन का। न लड़ाई होंगे न झगड़े होंगे, सुख बरसेगा, सुख मजबूत होगा। ये भाभी की बात मानकर पत्नी के साथ व्यवहार करना ये व्यवहारिक तथ्य ही नहीं है। चलिए आज जो उपाय बताऊंगी उसमें इस बात को भी ले लें कि जो जो परेशान है कि मेरा पति अपनी बड़ी भाभी के वश में है या मेरा पति अपनी माँ के वश में है, वो कुछ भी गलत सिखाती है तो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, या कोई कोई तो ये शब्द भी लिखती है कितनी बहनें कि वो अपनी बहन की बात मानता है। बहन तो बहुत प्यारी चीज होती है, बिल्कुल बहन की बात माननी चाहिए, परंतु दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा ना झांके कभी। पति निर्णय ले, पति और पत्नी के बीच क्या करना है पत्नी निर्णय ले, ना बहन ना माँ ना भाभी और ना कोई पड़ोसी ना कोई मित्र। बात बात पर जब वो अपमानित करने लगे, आपकी दिशा में ना चले, जब कोई कहना ना सुने, तब आज का प्रयोग लेकर आई हूँ, एक दिव्य प्रयोग, बहुत प्राचीन प्रयोग। पुराने जमाने में हमारे साधु संन्यासी जो प्रयोग बताते थे, आज मैं वो प्रयोग बता रही हूँ। केवल एक बार करने मात्र से यह प्रयोग इतना हैरान करने वाला फल देगा आपको, इतना चकित कर देगा, रिश्ता सवरने लगेगा, सुधरने लगेगा, रिश्ता 100% ठीक हो जाएगा। जो बात नहीं मानता है वो बात मानेगा, जो बात बात पर झगड़ा करता है वो लड़ाई झगड़े बंद कर देगा। भाभी के चक्कर में, माँ के चक्कर में, बहन के चक्कर में जो है वो उसकी नियति बदल जाएगी, उसकी मति फिर जाएगी, वो तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगा। मेरी बहनों अद्भुत है ये दिव्य प्रयोग। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे है मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी तकलीफ भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। घर नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से कोई धनराशि की मांग नहीं की जाती है और हमारे तरफ से कोई भी व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं किया जाता। यदि आपके पास कोई नंबर आता है या मेरी तस्वीर लगाकर कोई धनराशि की डिमांड करता है तो वो फ्रॉड है, कृपया उससे बचे और ईश्वर उसका भी भला करे। यदि बात बात पर झगड़े झंझट होने लगे हैं या रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है और आप चाहती हैं कि वह पूर्ण तरह से मेरे वश में हो, मेरी बात माने, तब आज का बताया प्रयोग आपको 100% काम करेगा और हैरान करने वाले, चकित करने वाले परिणाम देगा। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ, क्या करना है आपको। शनिवार के दिन एक लाल कपड़ा लें, कपड़े का साइज जरा बड़ा रखें, 8
तांबे के सिक्के लें, बड़े आसानी से मार्केट में आपको तांबे के सिक्के मिल जाएंगे, 8 पीस गिन कर लें, धो लें, इसे पोछ लें, मार्केट से लाने के बाद इसे जल से अवश्य धो लें, पोछ के बिल्कुल सुखा लें। लाल सिंदूर को जल में घोलकर पेस्ट बना लें और पान पत्ते की पीछे की डंडी ना हो तो तुलसी की लकड़ी, ऑप्शनल तुलसी है लेकिन परंतु प्रायोरिटी पान पत्ते की पीछे की डंडी से श्रीम शब्द लिख दें 8 सिक्कों पर, इसे पेस्ट से। 8 सिक्के को लाल कपड़े पर डालकर गठरी बांध दे, पोटली बना दे। पोटली बनाते वक्त, श्रीम लिखते वक्त, यह क्रिया करते वक्त कोई आपको न देखे, न सवाल पूछे, न टोके, ये वशीकरण है, बहुत सात्विक वशीकरण। सफाई का बहुत ध्यान रखें, आप कपड़े पहने बिल्कुल एक भी ऐसा कपड़ा ना पहन ले जिसे आपने कल भी पहना था, आज रिपीट कर दिया, धोकर ही पहने, कपड़े सारे धुले हुए हो, काले रंग का कपड़ा ना पहने, बहुत ज़्यादा डार्क शेड का लाल रंग का कपड़ा ना पहन ले, हल्के रंग का, हल्की गुलाबी, हल्की हरी, हल्की आसमानी, मतलब फीके रंग के कपड़ा पहने, शुक्र बहुत एक्टिव होगा आपका। बेडरूम में चादर तुरंत बदलिए, यदि वो लाल रंग की हो, काले रंग की हो, कथई रंग की हो, कोई भी डार्क रंग की बेडरूम में बेडशीट नहीं होने चाहिए जिस पर आपके पति के साथ आप रहती हैं, सोती हैं, तुरंत हटाइए। फीकी कलर की, हल्की गुलाबी सफेद चादर हो, हल्की नीली आसमानी हो, आप फीका रंग बिछाइए। बेडरूम में कोई भी बहुत गहरी लाल रंग की चीज रखी हो, कोई गुलदस्ता या फूलों का बंच या कोई ऐसा, अब टीवी में भी तो बहुत पिक्चर में दिखाते हैं, बड़े बड़े दिल हैं तो बड़े गुलाब का है, सब बेडरूम में लगा रखा है देख देख कर आप लोगों ने, लाल रंग की सब चीज़ों को बेडरूम से बाहर निकालिए, वो प्रेम का सूचक है या नहीं पता नहीं, और शुक्र हमारा बिगड़ जाता है, मंगल इतना एक्टिव हो जाता है, लड़ाई झगड़े का सूचक ज़रूर है। तो लाल रंग का कोई हर्ट शेप आपने लगा रखा है या कुछ ऐसी रोमांटिक तस्वीर जिसमें लाल गहरे रंग हो, तुरंत बाहर निकालिए, टीवी सिनेमा पर मत जाइए। अपने पलंग के नीचे आपको इस गठरी को शनिवार की रात्रि को रख देनी है, यदि 4 पैर वाला पलंग है तब तो आसानी से रख देंगे, यदि बॉक्स वाला पलंग है, दीवान है, तब तो बॉक्स खोलकर अंदर रख दीजिए, पति को जानकारी ना हो इस बात की, सोइए आप लोग आराम से। कितने दिन रहेंगे ये? इस शनिवार से अगले शनिवार यानी 8 दिन रहेगा ये। 8वें दिन यानी नेक्स्ट शनिवार को इस पोटली को बाहर निकालिए, कपड़ा खोलिए इसका और सारा सिक्का बाहर निकाल दीजिए और सारे सिक्के को सरसों के तेल में डुबा दीजिए। किसी भी एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालकर सारे सिक्के डाल दीजिए और इस कटोरी को तेल सहित किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए। कटोरी भी आपको लानी नहीं है, तेल को फिर हाथ नहीं लगाना आपको, ना सिक्के निकालने हैं आपको, तेल में डुबो कर इसे पहुंचा दीजिए। हफ्ते भर के अंदर जो आपने सिक्का रखा था बेड के नीचे, आप उसी पर सो रही थी, आपके पति सो रहा था, मति ना बदल जाए आपके पति की और जीवन की गति ना बदल जाए तो कहिए, आपकी दिशा में चलेगा, आपकी बोली बोलेगा, 100% होगा वह आपके वश में, केवल एक बार ही करें यह दिव्य प्राचीन प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।